Hi friends, welcome back. I'm Payal here and welcome back to Simple Living, Wise Thinking and what to say, you call, I don't know you can see or not, but my condition was really bad from I think so Sunday night. Actually Sunday night hum logo ne wo video banaya tha 1970s ka, and then when I was sitting down like ek tab mujhe laga ki why my joint is paining, and my hubby is like ki tum to, it's not new that you have joined gym or you are doing exercise. I have been doing exercise for so many years, so generally ye sab mujhe kabhi bhi nahi hota hai. And I was like, पता नहीं क्या हो गया एंड मुझे इतना स्नीजिंग हो रहा था. एंड फिर मुझे लगा कि मे बी मैंने वो तात का साड़ी पहना और वो अंदर था एंड आई हैव दिस एलर्जी प्रॉब्लम, तो मुझे लगा एलर्जी है. सो मंडे आई वॉज लाइक नो मे बी आई हैव एलर्जी, चलो आई टेक द मेडिसिन एंड आई विल बी फाइन. तो मैं शॉप पे गई, आई टुक द एलर्जी मेडिसिन, फिर भी मुझे लगा कि नहीं, लाइक वाई इट इज़ नॉट गोइंग. फिर मुझे पता चला नो इट इज़ द वायरल जो अभी सीजन में नया नया आया है. तो एनी हाउ मंडे ट्यूजडे तो ऐसा ही चला गया, लाइक बोथ ऑफ अस, माई हबी ही मैनेज लिटिल बिट, चलो देन ऑल्सो ही मैनेज, क्योंकि उनको कुकिंग इतना नहीं आता है. एंड वी डिडंट यूज लाइक दिस मच ऑफ यूटेंसिल्स. कल मैंने बहुत ही ईजी आई मेड राजमा, विच इज़ ए वन पॉट रेसिपी जो बहुत ईजी हो जाता है. एंड आई मेड सम राइस, क्योंकि रोटी इफ़ यू आर नॉट वेल यू नो मेकिंग सो मेनी रोटी स्टैंडिंग थोड़ा टफ होता है, राइस बहुत ही ईजी होता है. घर से बिल्कुल भी नहीं निकली हूँ एंड आई एम ए गर्ल, आप सबको पता है कि मैं बहुत बाहर तो जाती हूँ टू गेट थिंग्स एंड ऑल, तो वही मैं सोच रही हूँ. तो पहले मैं थोड़ा ही बर्तन है, मैं बर्तन दे देती हूँ, माई हबी ही टू कॉल द थिंग्स एंड ऑल. सो आई विल गिव माई डिशेज फर्स्ट, एंड इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कमती है, एज वी आर ऑलवेज हैविंग इन पेपर प्लेट सो एंड पेपर कप, सो आई डोंट हैव एनी ग्लासेस और एनी प्लेट. सो बहुत सारा लाइक इट मेक्स योर वर्क लिटिल बिट ईजी. एंड फॉर ब्रेकफास्ट टूडे आई एम प्लानिंग टू हैव ब्रेड विथ सम पीनट बटर एंड आई एम मेकिंग ए एग पोच, बिकॉज फ्रॉम आई थिंक सो फ्रॉम मंडे ट्यूजडे बोथ ऑफ द डेज आई हैड ओनली ओटमील. एंड When you are sick, you know, कुछ अलग खाने का मन करता है. So I was like, नहीं मुझे ओटमील आज नहीं खाना है. And after that, I am planning to go to my club. So finally, मैं जा रही हूँ and like the weather was so bad. Oh my god. बहुत बड़ा खानी भी है. और द वेदर वॉज सो बैड फ्रॉम द लास्ट टू डेज, लाइक अगर आप देखें एवरी वेयर इट इज़ वेट, पूरा गीला गीला है. एंड आई डोंट नो हाउ मच आई कैन डू, पर फिर भी मुझे लगा कि चलो लेट्स गो आउट. आउच, अगर घर पे रहेंगे तो और ज़्यादा. या घर पे रहेंगे तो और ज़्यादा लाइक ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट वेल. एंड मेरा नोज का यू ऑल आई डोंट नो बहुत ही ख़राब, लाइक ये पर्सन बहुत ख़राब हालत है. बट लेट्स सी जितना हो सके मे बी लिटिल बिट आई विल डू. एंड आई एम मिसिंग दैट क्लास सो मच, लाइक मुझे इतना अच्छा लग रहा था. एंड जब आप कुछ इन्जॉय करते हैं राइट, इफ़ यू कैन गो यू फील सो सैड, पता नहीं. बट डेफिनेटली बाहर रहने का वन डिसएडवांटेज तो इज़ देयर. I will always say that if you are not well, then also you have to do सभी घर का काम तो करना ही पड़ता है and lot of other responsibilities which we don't have any excuse. So finally I am done and अच्छा लग रहा है. आई थॉट आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट, पर लाइक अभी वो लोग नया स्टेप सिखा रहे हैं, लाइक द न्यू सीजन है स्टार्टेड. सो अगर मिस कर जाती तो आई डोंट नो, आई जब मैं कुछ ज्वाइन करती हूँ आई डोंट वॉन्ट टू मिस एट ऑल. तो एनी हाउ इट्स फाइन ओनली. एंड नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं आई गो टू शॉप एंड आई गेट समथिंग. आई डोंट नो व्हेन यू आर सिक बहुत कुछ खाने का मन करता है राइट, तीखा खाने का मन करता है. बट मेकिंग एंड वॉट एवर आई एम मेकिंग आई एम नॉट फीलिंग एनी टेस्ट, लाइक कुछ टेस्ट भी नहीं लग रहा है. सो मे बी मैं सोच रही हूँ आई गेट सम चिकन एंड आई मेक लाइक ए चिकन का पतला एक सूप टाइप विच वी कैन हैव विथ राइस ऑल्सो. मेरा शॉपिंग हो गया है एंड आई एम बैक एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ माय लिविंग रूम. लाइक दो दिन से इतना इट्स रेनिंग सो मच दैट
अगर मैं ठीक होती आई लाइक डेफिनेटली आई कुड हैव वाइप्ड माई लिविंग रूम बिकॉज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग लाइक कि चिपचिपा हो जाता है बट क्या करूँ यू कैन डू ऑलवेज एवरी थिंग एंड दिस वीक लाइक आई हैव सो मच ऑफ वर्क कि मुझे इस वीक बीमार नहीं होना था पता नहीं ओनली लाइक वी आर डूइंग लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर हाउस एंड एनी हाउ द पूजा आता है समथिंग न्यू वी ऑलवेज कीप ऑन डूइंग सो पता नहीं अभी आई हैव सो मच वर्क बट फर्स्ट लेट मी गो एंड टेक अ शावर एंड डू आई लुक सिक लाइक आप लोगों को क्या लगता है मुझे तो ठीक ही लग रहा है बट डेफिनेटली बहुत वीक लग रहा है एंड माई हबी वॉज लाइक व्हाई यू वेंट टू डांसिंग क्लास मैंने बोला नहीं यू नो इफ़ यू सिट इन होम और भी लाइक ऐसा लगता है एंड क्या करें बोलो अगर अब अकेले है तो यू हैव टू डू सम ऑफ द वर्क सो लेट मी टेक अ शावर एंड बिफोर गोइंग टू जिम आई ऑलरेडी गेव माई क्लोथ फॉर ड्राइंग तो हो गया है एंड नाउ आई जस्ट हैव टू ड्राई माई टॉवल And then I am planning that I'll go up and I got some of the few things so wahi mujhe jagah pe rakhna hai And whenever you are sick you know you should have a lot of fluid and I like my mom always says that whenever you have flu like cold and flu have a lot of vitamin C so I got some oranges सो फाइनली मैंने नहा लिया है एंड फिर भी लाइक व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड इफ़ यू टेक लाइक हॉट वाटर बाथ तो थोड़ा अच्छा लगता है एंड डेफिनेटली नाउ फ्लू सीजन इज गोइंग ऑन एंड येस्टरडे ओनली मेनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर सेइंग दैट दे आर सेम लाइक डाउन विथ कोल्ड एंड फ्लू ड्रिंक ए लॉट ऑफ फ्लूइड दिस इज ओनली वन थिंग लाइक यहाँ पे तो दे डोंट गिव एनी मेडिसिन ऑल्सो सो जाने का भी कोई फायदा नहीं बट इन इंडिया यू नो इफ यू गेट सिक दे इमीडिएटली गिव एंटीबायोटिक विच इज एक्चुअली बैड यहाँ पे तो आप मर जाएंगे तभी भी कुछ भी नहीं देते वो लोग सो नो लाइक डॉक्टर जाने का कोई फायदा ही नहीं है when we came new you know हम लोग बहुत गुस्सा करते थे तो क्यों एंटीबायोटिक नहीं दे रहे थे लाइक हम लोगों के लिए ठीक है फॉर राय ऑल्सो दे उसमें नेवर गिव एनी थिंग अभी तो हम लोग का आदत हो गया सो पता नहीं दिस इज समथिंग आई गॉट सम डेली ग्रीन क्योंकि मुझे करने का मन नहीं कर रहा है यू नो सो दिस हैज ऑल द ग्रीन्स क्या क्या इट हैज एप्पल क्यूकम्बर सैलरी आई हेट सैलरी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लव सैलरी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई हेट सैलरी केल स्पिनच ओके बनाना क्यूवी पता नहीं मैं खा के देती हूँ आई हेट द स्मेल ऑफ कैप सैलरी देन ऑल्सो लेट मी हैव इट दवाई समझ के मैं खा लेती हूँ बहुत खराब है अगर आप लोग यहाँ रहते हैं डोंट बाई दिस वन लाइक I don't know. I'm having it और मुझे like first sweetness आ रहा है of apple and then वो celery का एक जो smell होता है which I hate वो आ रहा है and then the kale and all then also it's fine I can have it but मुझे celery बिल्कुल भी पसंद नहीं है So I'll finish the juice first and then I will start chopping. Today I'm just making one very simple sabzi and the juice was really bad but I just drank the juice thinking that it's a medicine. And I don't know how many of you add but today in chicken like I will be giving all the veggies especially carrot, bell pepper. So when the oil is hot I'm adding little bit of salt in it and then I will add a paste and this paste I have made only out of half onions and one tomato and I've added little bit of ginger garlic paste in it. And now I have added all the veggies and this pepper is bahut tasty hai and now I'm adding the chicken and then I will add little bit of garam masala some turmeric powder some red chili powder and I'll fry the chicken nicely so once everything is fried at that time I will add a lot of water like main bahut sara pani isme add karungi And I'll cover it with a lid. So इसी से वो टेस्ट आएगा एंड इफ यू हैव कोल्ड एंड फ्लू आप ये बना के खा सकते हैं नहीं डोंट लाफ अबाउट दैट बेल पेपर मैं वो निकाल दूंगी एक्चुअली उसका स्मेल बहुत अच्छा है आई डोंट नो हियर वी गेट लॉट ऑफ लाइक दिस आर
पेपर्स या दिस आर पेपर्स ओनली लाइक स्मॉल स्मॉल बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं सो द रेड वन का स्मेल बहुत अच्छा है सो जस्ट यू नो सो दैट द फ्लेवर विल कम इनसाइड द चिकन एंड पानी बहुत ज़्यादा है सो इट्स लाइक ऑफ ए सूप और अगर आप चाहे देन यू कैन हैव इट विथ राइस ऑल्सो रोटी ऑल्सो डेफिनेटली अगर आप चाहे यू कैन प्रेशर कुक इट बट आई लाइक मेकिंग इन दिस वे एंड आई हैव केप्ट इट इन टू दैट मीन्स वेरी मीडियम टू लो फ्लेम जिसको हम लोग बोलते हैं तो धीरे धीरे होने दीजिए एंड इफ यू वॉन्ट आप बहुत सारे और भी वेजेस दे सकते हैं बट आई जस्ट एडेड सम बेल पेपर सम कैरेट सम आलू जिसको मैं हर वीडियो में पता नहीं क्या हो जाता है मैं टमेटो बोल देती हूँ पटेटो एंड या वन बिग रेड बेल पेपर वो मैं निकाल दूंगी क्योंकि कभी कभी थोड़ा लाइक स्पाइसी हो जाता है एंड नाउ व्हाट या बस हो गया एंड आई विल मेक सम राइस दैट्स इट एंड आई डोंट नो मेरा नो लाइक दिस पोर्शन का हालत बहुत खराब है आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी थिंग्स एंड या लेट मी कॉल माई मॉम मेरी मॉम ने फोन किया था जब भी मैं बीमार होती हूँ माई मॉम शी गेट्स वरीड अ लॉट एंड बोलती रहेगी नो नो डोंट डू दैट मच वर्क टेक सम रेस्ट हियर आई एम टॉकिंग विद माई डैड एंड हम लोग जितने भी बड़े हो जाए आई ऑलवेज फील दैट फॉर आवर पेरेंट्स वी विल ऑलवेज बी ए स्मॉल बेबी एंड आई एम शोइंग देम दैट हाउ माई नोज इज लुकिंग And my living room condition is very bad, but I am not well, so maybe I'm not giving that much attention to it. Once I'm fine, I can. It's my own home, or कोई भी नहीं आता है, so definitely तब मैं सब साफ कर लूँगी. And chicken is taking some time. It takes around 30 to 45 minutes to make this chicken. क्योंकि मैं बहुत स्लोली कर रही हूँ एंड लुक्स लाइक हम लोगों का मेल आ गया So I'm planning to make rice now and this is the new rice which I've purchased. This is Dear Organic White Basmati Rice. Pata nahi I'm using it for the first time. So agar aapne use kiya hai, so definitely write down in the comment section. And whenever you make basmati rice, soak it for around 20 minutes to 30 minutes. Honey, I am feeling like having tea, so I am making tea. कभी कभी मन करता है इट्स बीन सो मेनी डेज एक्चुअली आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंडिया एंड आई वॉज ऑलवेज टेकिंग ग्रीन टी एंड मैंने आप लोग से शेयर भी किया था कि मुझे अभी चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है सो बट पता नहीं आज मुझे थोड़ा चाय पी एक्चुअली जब भी मैं बीमार होती हूँ आई फील लाइक हैविंग कॉफ़ी बट इन दिस Like मेरे यहाँ पे लोकल ग्रॉसरी स्टोर में they have coffee but they all are decaffeinated. So पता नहीं हाउ इज डीकैफिनेटेड कॉफी मुझे लगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा सो व्हाट टू डू आई एम हैविंग टी एंड माय दिस क्या बोलूँ मैं इसको चिकन करी विद वेजीज चिकन सूप टाइप भी बोल सकते लिटिल बिट इंडियन वर्जन इज ऑल्सो रेडी और ये बहुत ही अच्छा लगता है लाइक आई नो इट्स नॉट दैट मच प्रेजेंटेबल और इतना प्लीजिंग नहीं है बट डेफिनेटली इफ यू ट्राई इट ये बहुत अच्छा लगता है इफ यू आर सिक ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा लगता है एंड आई डोंट नो आई एम फीलिंग आई शुड ऐड जिंजर राइट अच्छा लगेगा जिंजर खाने में या मे बी आई विल ऐड सम अदरक इन इट सो यहाँ पे मेरा चाय हो रहा है एंड इन द मीनवाइल माय चिकन इज आल्सो डन सो नाउ आई एम मेकिंग द राइस लाइक मेरा डिनर भी रेडी हो रहा है दिस इज व्हाट टुडे विल बी हैविंग एंड मुझे लग रहा है टुडे इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हैविंग टी अलोन जनरली अगर हबी घर पे नहीं होते आई डोंट मेक टी एस आई डोंट मुझे इतना कर्व नहीं है चाय पीने का एंड माई राइस इज ऑल्सो डन So I have some old rice from yesterday. I will add this
क्योंकि गर्म है सो इट विल बी टोटली फाइन एंड माई चिकन इज रेडी. आई विल जस्ट शो यू ऑल. देखिए कितना अच्छा कलर आया है. सो नाउ आई विल गो अप एंड मुझे अपना थोड़ा काम है. फ्रॉम संडे आई डिडंट डू एनी वर्क. आई थिंक सो फ्रॉम संडे नाइट आई डिडंट डू एनी ऑफ माई वर्क. एंड दिस इज राइस पिक्चर. एंड थैंक यू ऑल. आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया. लाइक आई डोंट नो जब भी मैं ये सब कुछ करती हूँ आई एम द वन हु इज सो स्केयर्ड बट आई थिंक सो राय बहुत ही अच्छी लग रही है राइट. एंड मेनी ऑफ यू वेर लाइक सेइंग मी टू डू दिस मेकअप ट्यूटोरियल. ये मैंने सिर्फ 10 मिनट्स में किया है. एंड इफ आई से वेट टुडे आई विल शो यू व्हाट आई हैव व्हाट लाइक हाउ डिड आई मेक द बुफू. तो आप सब लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे. एंड दिस इज माई सनग्लास ओनली. तो मुझे लगा चलो लेट मी मेक हर लुक. लाइक मजा आया राइट. इट वॉज रियली गुड आई फेल्ट. And if you look nicely in my bufu also you can see. मैं दिखाऊंगी मैंने कैसा किया. तो most of you will laugh and you will say oh god Payal is totally silly. और आप सब तो देख ही सकते हैं दैट द कंडीशन ऑफ माई अप इज रियली बैड. क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग सब ऊपर रहते हैं एंड राइट शी डज ए लॉट ऑफ थिंग्स. और उसके बाद आई डिडंट कम अप ओनली. जनरली अगर मैं ठीक होती हूँ देन आई से राइट एंड वो सब साफ कर लेती है. बट एनी हाउ आई एम थिंकिंग कि इफ आई एम अप आई विल क्लीन एवरीथिंग. And bus, my cleaning up is done. And this sofa set is bahut purana hai. I think so this is around 8 years old. So I'll keep my light and abhi main soch rahi hu that if I'm up, let me clean it. So main vacuum kar lungi. So once my cleaning is done, I'm planning कि मैं नीचे चली जाऊंगी and I'll have my lunch because when you are not well, आपको time पे खाना चाहिए. Little bit of rice and हाँ मैं वो paper खाऊंगी. बहुत अच्छा लगता है. It's little bit spicy तो थोड़ा खाने में you know when you are not well, I feel like having spicy food. आप लोगों को क्या अच्छा लगता है definitely write down in the comment section. So finally my food is done और खा के अच्छा लगा. As I told you वो खाने में बहुत ही tasty लगता है. If you are sick you can definitely make that curry. So now I'll go down. I'll take little bit rest but उससे पहले anyhow मुझे बहुत सारा जैसे कि मैं बोल रही थी I have a lot of work to do. So I am planning that I will declutter some of my makeup क्योंकि मुझे अपना dresser से I have to take everything out. So here I have started decluttering my lipstick and trust me bahut tough hai. I don't know I am keeping all my liquid lipstick and some of the lipsticks are little bit expensive to main wo bhi rakh rahi hu even if I use it or not but definitely I am not going to throw it. So my lipstick is done and now I am doing all the remaining things like the blush, the contour. एंड मेरे पास वो सब इतना ज्यादा नहीं है. ओनली आई हैव क्रेज फॉर लिपस्टिक बिकॉज दैट्स वन थिंग विच आई ऑलवेज अप्लाई. अदर देन दैट मुझे आई डोंट हैव दिस मच क्रेज ऑफ एनी अदर थिंग. सो दिस इज हाउ आई हैव अरेंज. दिस आर ऑल माई लिपस्टिक जो मैं रख रही हूँ एंड आई डिडंट सी द डेट एंड ऑल. एंड इन दिस वन आई हैव my bronzer, then some blush, some highlighter. इतना ज़्यादा भी कुछ मेरे पास नहीं था. And here I have my primer, my BB cream, and some of my foundation which I never use. But definitely, if you want good primer, go for that Becca one. वो बहुत ही अच्छा है. And this is my compact powder जो मैं हर वक्त use करती हूँ. And here I have my eyebrow pencil and some of my liners. And these are the things which I am decluttering. So बहुत सारा सामान ही हो गया है.
और क्या करूँ, घर का काम तो रहता ही है. हाउ मच सिक वी लेडीज गेट, वी हैव टू डू सम ऑफ द वर्क बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर माई हबी टू कम एंड देन ही विल डू एंड आई फील इट्स टू मच फॉर हिम ऑल्सो. एनी हाउ ही इज डूइंग ऑल द वर्क फ्रॉम द लास्ट टू डेज. So finally, this is my last work and now I have to go and get NRI. आ गई मेरी परोसन. हाउ वाज इट मामा? एंड डू यू वांट टू से एवरीवन हाउ आई डिड योर हेयर? बहुत फनी था. अगर इफ यू लाइक अगर आप लोग सुनेंगे तो हंसते हंसते लाइक पागल हो जाएंगे. बट थैंक यू ऑल एवरीबॉडी लाइव फॉर योर एक्टिंग ऑफ परोसी. आई नो आई थॉट कि थोड़ा फ्लेवर तो लाना ही चाहिए एंड डेफिनेटली वेन एवर आई ऑल्सो वॉच अ वीडियो लाइक अच्छा लगता है वेन यू फील लाइक देख के हंसी आए तो. सो मुझे लगा कि नहीं देयर शुड बी लिटिल बिट तड़का, विदाउट तड़का कोई मज़ा है ही नहीं. सो आई जस्ट मेड दिस प्लान कि चलो राय प्लीज़ एंड बट राय फ्री में शी डिडंट एक्ट. फ्री में आजकल कोई बच्चा एक्टिंग नहीं करता है. डिड आई गिव यू योर या एंड एडवांस? वो भी ऐसा नहीं है, एडवांस उसने ले लिया. चलो. ओ माय गॉड आई एम लाइक सो टायर्ड, माय लाइक फुल बॉडी इज पेनिंग. आई मेड सम सूप टाइप ओके सो दैट वी कैन हैव. सो राय का खाना भी हो गया एंड टुडे शी टुक ए हेड बाथ. इट सीम्स शी इज फीलिंग वेरी हॉट तो मैंने बोला हेड बाथ ले लो. सो हियर आई एम चेकिंग लाइक क्लास में क्या करा रहे हैं एंड व्हाट आर द होमवर्क दैट शी गॉट. एंड दिस ईयर दे गॉट ए आईपैड, लाइक सम ऑफ द होमवर्क दे हैव टू डू इन देयर आईपैड. तो वही मैं देख रही हूँ. राय इज डूइंग हर रिमेनिंग होमवर्क. सो नाउ राय इज डूइंग हर होमवर्क एंड एक्चुअली आई वॉन्टेड टू टेक हर टू द एक्टिविटी बट माई हबी ही कॉल्ड एंड ही वॉज लाइक सी यू आर नॉट वेल, नो नीड टू गो टू हर एक्टिविटी बिकॉज देयर आई हैव टू सिट फॉर 1 hour एंड राय का भी तबीयत या एंड समटाइम्स इट्स मोर देन 1 hour एंड समटाइम्स राय ऑल्सो इज नॉट फीलिंग वेल टूडे. पता नहीं शी इज सेइंग दैट शी इज फीलिंग वेरी हॉट. सो होपफुली कि राय इज़ फाइन, क्योंकि मेरा है कि मुझे कुछ भी हो जाए अगर बच्चे लोग बीमार होते तो मोस्ट ऑफ यू दोज ऑफ यू हु हैव किड्स कैन अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आई एम सेइंग कि घर में कोई भी बीमार हो बट बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए. सो आई एम जस्ट फिंगर क्रॉस कि राय ठीक रहे. इट्स अ वायरल यू नो एंड इट कैन राय कैन गेट इट. So that's it for today everyone. I hope you all have enjoyed today's vlog. If so, ek like to banta hi hai. And definitely those of you who are watching me for the first time, please do subscribe. And yeah, I'll be back tomorrow. Kal tak to I'm sure I'll be fine. And then I'll be again back to jaisi main hoon. And that's it for today everyone. Bye bye. Bye.